अदाकार मुनीब भट्ट ने अहलिया अदाकार ऐमन खान और इनकी बहन मिनाल खान के घर का पता और मोबाइल नंबर इंटरनेट पर लीक करने पर फिरोज़ खान के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी। मुनीब ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए बताया कि इन्होंने ऐमन और मिनाल की ज़ाती मामला सोशल मीडिया पर शेयर करने के बायस फिरोज़ के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई और मुतालबा किया कि फिरोज़ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। मुनीब ने लिखा कि पहले कानूनी नोटिस को इंस्टाग्राम पर शेयर करके मेरी फैमिली की मालूमात सोशल मीडिया पर लीक की और फिर स्मार्ट बनने के लिए पोस्ट डिलीट की। मेरे दोस्त जिसने भी आपको ऐसा करने का मशवरा दिया है, इसने आपको एक संगीन मुसीबत में डाल दिया है, अब आप नतीजा भुगतो। अदाकार ने लिखा, शुरुआत में समझा कि शायद ये कोई बेवकूफ़ाना गलती है, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई माफ़ीनामा ना मांगने पर यकीन हो गया कि ये जानबूझ कर उठाया गया कदम है। मुनीब भट्ट ने फिरोज़ खान को वकील तब्दील करने का भी मशवरा दिया। इन्होंने फिरोज़ के वकील के यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, वकील साहब अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर में इजाफा कर रहे हैं, ये केस उस वक्त तिकर चलता रहेगा जब तिकर यूट्यूब की जानिब से स्कोर बटन नहीं मिल जाता। दूसरी जानिब फरहान सईद ने फिरोज़ को 3 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर इन्होंने अवामी सतह पर माफ़ी ना मांगी तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुज़रिश्ता रोज़ ऐमन खान और मिनाल खान ने भी ऐलान किया था कि वो फिरोज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी, क्योंकि इनकी इस हरकत से इन्हें ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा दोनों बहनों ने कुछ स्क्रीन शॉट भी शेयर किए जिसमें पैगाम भेजने वाले अफराद कह रहे हैं कि इन्हें फिरोज की पोस्ट से नंबर मिला है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि ट्रेंडिंग वीडियोस आपको भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।